नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? क्योंकि यहाँ पे बात करी जाए तो क्यों जियो इतनी ज़्यादा हबड़ातबड़ी कर रहा है ऑफिशियल लॉन्च के लिए और अपने जियो ट्रू 5G को इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बात करी जाए तो सिर्फ एक स्टेप दूर है डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन का। जैसे ही कोई क्लियरेंस मिलता है या सर्टिफिकेट मिलता है तो बिल्कुल रेडी होगा जियो अपने जियो ट्रू 5G को इंडिया में ऑफिशियल लॉन्च करने के लिए। लेकिन क्या वो 15 अगस्त 2023 में ऑफिशियल लॉन्च कर सकता है अपना जियो ट्रू 5G नेटवर्क, एक सबसे बड़ा सवाल यही बनता है। तो अभी कुछ भी कहना इस मामले में बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी होगी, क्योंकि 10% चेक करना है नेटवर्क को, जियो ट्रू 5G नेटवर्क को इंडिया के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन की तरफ से। तो उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है, शायद ये पूरा महीना लग जाए, क्योंकि 10 दिन के अंदर तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद पूरा सेटअप रखना, एडवर्टाइजिंग करना, तो बहुत बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, तो उसमें अराउंड 1 मंथ लग जाता है। तो अभी डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन की तरफ से कोई क्लियरेंस नहीं आई है, क्या उसे कोई क्लियरेंस दे दिया गया है बात करी जाए तो जियो ट्रू 5G नेटवर्क को, तो अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है 15 अगस्त को, तो वो थोड़ा सा लेट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बात करी जाए तो क्या न्यू लॉन्चेस पॉसिबल हैं, तो हाँ, वहाँ पे कह सकते हैं कि जियो अपने कुछ अदर्स प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता है। ये तो कह सकते हैं कि हाँ, बहुत कुछ अभी प्रोडक्ट हैं पेंडिंग जियो के, जिस पे कि जियो ट्रू 5G नेटवर्क पर ही वर्क करना है, तो वहाँ पे लगता है कि ज़रूर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि इफ़ेक्ट तो ज़रूर पहुँचेगा ऑफिशियल लॉन्च के बाद, 100% कंफर्म है जियो वेलकम ऑफर को, जिसमें कि आपको 1 Gbps की स्पीड, अनलिमिटेड 5G डेटा मिल रहा है। क्योंकि जल्दीबाजी के चक्कर में ऐसा ना हो कि लोगों को मेनली इफेक्ट जो अनलिमिटेड डेटा मिल रहा है उस पर देखने के लिए मिले। जैसे कि अनदर टेलीकॉम अभी 5G नेटवर्क में सिर्फ एयरटेल ही है, और उसका कोई भी ऐसा मूड नहीं है ऑफिशियल लॉन्च करने का इस साल में। तो अभी हम बस एक छोटा सा वेट और कर रहे हैं कि एयरटेल की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या आता है, और किस तरीके से एयरटेल मूड बनाता है जियो के ऑफिशियल लॉन्च को लेके, और किस तरीके की प्रतिक्रिया देता है, वहाँ पे भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जियो ऑफिशियल अपनी जियो ट्रू 5G सर्विस इंडिया के अंदर लॉन्च करता है, तो बहुत बड़ा इफेक्ट जो है वो जियो को खुद को देखना पड़ेगा। जैसे कि अदर टेलीकॉम की बात करें या ट्राई की बात करें, तो दोनों ही कहीं ना कहीं जो अनलिमिटेड डेटा मिल रहा है 5G नेटवर्क पे, उस पे इफेक्ट जरूर डालेंगे। और वो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि अभी बीटा ट्रायल चल रहा है, इस वजह से हम कस्टमर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट 5G नेटवर्क दे रहे हैं, जिसपे कि हम अपने नेटवर्क की प्रॉब्लम, स्ट्रेंथ सब कुछ नापने के लिए। लेकिन जैसे ही ऑफिशियल लॉन्च हो जाता है तो उस तरीके के ऑफर नहीं चलेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल एक ये भी उठता है, जो मेरे रिचार्ज हैं, क्या उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा? तो अभी कुछ भी कहना बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी होगी, क्योंकि यहाँ पर हम बात करें ऑफिशियल स्टेटमेंट के हिसाब से जो आपको मिला हुआ है, जैसे कि आपकी जो भी वैलिडिटी, आपने 1 महीने का रिचार्ज करवाया, 3 महीने का, 6 महीने का, साल भर का। मैंने 1559 रुपये का रिचार्ज करवाया, उसमें मुझे एक फिक्स डेटा मिलता है अराउंड 24 GB, और मुझे जो अनलिमिटेड ऑफर मिला हुआ है जियो वेलकम ऑफर का, वो अराउंड 2024 मार्च तक मिला हुआ है। तो मतलब ये है कि क्या जो जियो ने वादा किया मुझे प्रोवाइड करवाया था, क्योंकि ऑलरेडी ट्राई अंडर इंस्पेक्शन कर रहा है कि क्या 4G रिचार्ज से जो अनलिमिटेड डेटा ऑफर दिए जा रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं एज पर रिचार्ज वैलिडिटी के हिसाब से। एयरटेल और जियो दोनों ही प्रोवाइड करवा रहे हैं। जो केस करा था वो VI ने करा था, और VI ही कहीं ना कहीं 5G की रेस से अभी बहुत दूर दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे बात करी जाए तो ट्राई लगता नहीं है कि ऑफिशियल लॉन्च के बाद वो कहीं ना कहीं फोर्स करेगा कि आप अपने 5G रिचार्ज लेके आएँ, जिससे कि आप कहीं ना कहीं बात करी जाए तो जो 5G इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देखने के लिए मिल जाएगा, प्लान देखने के लिए मिल जाएंगे, क्या रेट रहने वाले हैं वो मिल जाएंगे, या आपको पर डे GB के हिसाब से मिलेगा, या बात करी जाए तो स्पीड के हिसाब से मिलेगा, 50 Mbps, 100 Mbps, 150 Mbps, इस तरीके से रिचार्ज देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि 5G नेटवर्क का मतलब आप बाउंडेशन के अंदर नहीं रह सकते कि आपको 3 GB या 4 GB दे दिया जाए, क्योंकि जिस कंडीशन में आप स्पीड टेस्ट करते हैं वहीं पर आपका डेटा, बात करी जाए तो आपको 3 GB या 4 GB दिया जा रहा है, तो 50% तो सिर्फ स्पीड चेक करने में ही ख़त्म हो जाएगा। तो वहाँ पे एक बड़ी परेशानी भी देखने के लिए मिलती है। लेकिन जियो की परेशानी ये है कि एयरटेल से पहले लॉन्च कर देता है अपने 5G रिचार्ज, तो एयरटेल कुछ टाइम के, मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए कम वैल्यूएशन के रिचार्ज लाने के बाद, और वो 2016 वाला साइकिल दोबारा नहीं दोहराया जाएगा कि 6-6 महीने तक बस ट्रायल पीरियड, आगे मूव ऑन हो रहे हैं, तो वो चीज़ तो देखने के लिए नहीं मिलेगी, बहुत कम उम्मीद है। लेकिन जिन्हें ट्रायल पीरियड मिले हुए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती है जियो की तरफ से, तो वो कंटिन्यू यूज़ कर पाएंगे, एज़ पर उम्मीद के हिसाब से बात कर रहे हैं हम। क्योंकि जियो बहुत कम ही है जो
अनाउंसमेंट कर देता है, जो आपको ऑफर दे देता है उस पर वो खड़ा भी उतरता है और लॉन्ग टाइम तक वो चलते भी रहते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से आपको अभी 5G नेटवर्क की सर्विस देखने के लिए मिल रही है, तो जियो भी ये चाहेगा कि आपको जितने 4G रिचार्ज पे पैसे पे कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कम नहीं, 150-200 रुपये तो नहीं, लेकिन 300-400 रुपये के नियरेस्ट शायद वो आपके लिए 5G नेटवर्क पे भी रिचार्ज लेके आ जाए, कि कुछ टाइम तक कम से कम 1-1.5 साल तक लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्ट करा जाए। या 4G रिचार्ज करवाने से अच्छा तो 5G मोबाइल ले लेता हूँ, उस पर हाई स्पीड इंटरनेट तो मिल रहा है, क्योंकि 1 GBPS का आंकड़ा रखा गया है, तो आपको स्पीड तो मिलने वाली है हाई स्पीड, लेकिन कब तक मिलेगी इतनी स्पीड और किस प्राइस पे मिलेगी वो सबसे बड़ा मुद्दा बना रहेगा। लेकिन यहाँ पे बात की जाए तो बहुत ज़्यादा आशंका जो है वो मेनली इफेक्ट करेंगी जियो वेलकम ऑफर को, और इसके बाद क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट जब 1 अक्टूबर 2023 को फर्स्ट टाइम लॉन्चिंग का टाइम था 5G नेटवर्क का इंडिया में और विस्तार करना शुरू किया था, तब जियो ने कहा था 2023 लास्ट दिसंबर तक वो अपनी सेवा इंडिया में फुल स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ये अर्ली वाला जो स्टार्ट हुआ है ना कि नहीं पहले हम कर सकते, हमने पैन इंडिया कवर कर लिया है, तो वहाँ पर मुसीबत ज़्यादा क्रिएट हो रही है। और अब लॉन्ग रिचार्ज करवाना एक मुसीबत का सबक दिखाई देता है कि मैं अभी 2000 का 3000 का रिचार्ज करवा लूँ, तो अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया क्या मेनली किस तरीके से इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट तो पड़ना है, तब आप जल्दी लॉन्च करेंगे तो जल्दी रिचार्ज लेकर आना पड़ेंगे, जल्दी स्टेबल करना पड़ेगा नेटवर्क को। देखते हैं कि किस तरीके से कोई प्रतिक्रिया एयरटेल की तरफ से आती है, जियो की तरफ से आती है, और किस तरीके से अब 5G नेटवर्क पे वर्क किया जाएगा, और क्या नए डिवाइस जैसे कि जियो फाइबर की बात करें या जियो क्लाउड PC की बात करें या बहुत सारी एसेसरीज भी अभी आना रह गई हैं, तो देखते हैं किस तरीके से जियो लॉन्च करता है, किस तरीके से मैनेज करता है। लेकिन उम्मीद है कुछ नया आपको 15 अगस्त पे भी देखने के लिए मिल सकता है, शायद जियो भारत फोन 5G देखने के लिए मिले, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। जैसे ही कुछ आता है वो आपको रेगुलर अपडेट कर देंगे। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पर भी आपको रेगुलर अपडेट करते रहते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।